भारत से दो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राजस्थान में वोटिंग के लिए अब बस 3 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में एक तस्वीर राजस्थान में नई सियासी हलचल मचा दी है। इस तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा क्षेत्र में रैली के लिए पहुंचे थे। पार्टी के नेता मंच पर बड़ी सी माला लेकर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वसुंधरा राजे माला के भीतर, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। एक फ्रेम में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वसुंधरा राजे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे से कुछ हंसकर कहा भी, वसुंधरा ने भी उन्हें जवाब दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक इस तस्वीर के चुनावी मायने खोज रहे हैं और इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये जो तस्वीर 12 सामने आई है, इसके बाद अब क्या लक्ष्य राजस्थान विजय, बीजेपी में सीएम तय, वसुंधरा राजे के नाम पर बीजेपी की जो कंफ्यूजन थी सीएम के तौर पर, आपको लगता है ये तस्वीर बता रही है कि दूर हो गई है? देखिए, कंफ्यूजन नहीं है, सोची समझी रणनीति थी। रणनीति ये होती है कि तो ये कोर्स करेक्शन हुआ है क्या? कुल मिलाकर के देखिए, जब ये कहा गया कि फूल यानी कमल, उसको औरतें कहती हैं हम तो फूल पे वोट देंगे, तो उससे क्या होता है कि जो जो दावेदार है सबको उम्मीद बराबर होती है कि हम हो सकते हैं। तो बीजेपी का ये रणनीति रहती है कि इससे पार्टी में जो जो आपस में प्रतिद्वंदिता होती है, सर वो तो हो गया, वो ये जो तस्वीर आई इससे क्या मैसेजेंगे? निश्चित रूप से ये मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन कई बार क्या होता है कि संयोग होता है, कई बार क्या होता है कि वाकई इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बराबर ये वो दे रहा है कि वसुंधरा जी हमारी एक वरिष्ठ सम्मानित नेता है, ठीक है, और उतनी ही दावेदार है। ये सहयोग या ये प्रयोग? नहीं, ये प्रयोग है। लेकिन जो रामकृपाल जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये तस्वीर आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच में जो रनिंग बैटल चल रही है, वहां पर जो निरंतर एक होड़ चल रही है, उस होड़ की नुमाइंदगी भी करती है। क्योंकि देखिए, सब कुछ संकोच के साथ किया जा रहा है। अगर पार्टी को अपनी नीति बदलनी है तो वो खुल के कह सकते हैं कि भाई ये हमारी नेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। सब कुछ संकोच से हल्के हल्के मुस्कुराते हुए, कुछ खामोश इशारोबाजी बात हो रही है। तो कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दी जाने वाली मैसेज, जनता की तक ये मैसेज नहीं पहुंचते हैं। ये मैसेज जो पार्टी के वफादार हैं और कार्यकर्ता हैं उन तक ये मैसेज पहुंचते हैं और उनका लाभ भी होता है, लेकिन केवल एक सीमा तक। आपको क्या लग रहा है, इसका क्या लाभ, क्या नुकसान? देखिए, इसका केवल चुनाव में लाभ लेने के लिए किया गया है, लेकिन चुनाव नतीजे जब आएंगे, ये मैं बस दर्शकों को ये बता दूं कि ये 12 में हुआ है। 12 जो हड़ौती रीजन में आता है, हड़ौती रीजन मतलब जो गढ़ है वसुंधरा राजे का, 12 जो है वो झालावाड़ के बगल वाली बिल्कुल, सीट बिल्कुल, है बिल्कुल। और ये केवल चुनाव में कि हम सब एक हैं, एकजुट हैं हम, और वोट भाजपा को करें, ये संदेश देने के लिए है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे सीएम होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ। ABP News, आपको रखे आगे।